और देखिए, सियासत में जो सत्ता के फैसले हैं उसमें थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा, बीजेपी का नहीं बनेगा। सर, डीके और डिप्टी सीएम दोनों में फाइट चल रही है, क्या कहें? अच्छा है ना, अपने अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए, फैसला तो कांग्रेस लीडरशिप को करना है। सर, जब आप लोगों ने चुनाव लड़ा था तो आपने कुछ चेहरा चुना होगा सीएम के लिए, अब तक इतने देरी तो किसके बिहाफ पे आपने चुनाव लड़ा? मुझे लगता है ये सामूहिक रूप से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन क्योंकि डीके शिव कुमार वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष थे तो जाहिर सी बात है उनका हक भी बनता है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धरमैया जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अंधेरे को दूर करने के लिए सूरज की एक किरण चाहिए, बुझे हुए चिरागों से रोशनी नहीं होती है। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा और इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। अगर नरेंद्र मोदी को हराना है, 2024 में बीजेपी को हटाना है, तो विपक्ष को एक बड़ा चेहरा देना पड़ेगा जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। और मुझे लगता है कि पूरे देश में विपक्ष के पास प्रियंका गांधी से ज़्यादा पॉपुलर, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल फेस नहीं है। सर, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू, इन सब लोगों ने गठबंधन की बात की थी, क्या कांग्रेस को लेकर चलेगा साथ? ये सब लोग बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन एक रीजन तक इनकी अपील है। नेताओं के मिलने से मोदी नहीं हारते हैं, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है, कई चुनाव में आपने देखा। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं कि अगर वो सच में ईमानदारी के साथ मोदी को हराना चाहते हैं तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। सर, मोदी को हराने की बात कर रहे हैं या बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी से मोदी बड़े हो चुके हैं, ये पहला ऐसा मौका है जब पार्टी से एक व्यक्ति बड़ा हो गया है। बीजेपी आज छोटी है, मोदी बड़े हैं, तो इसलिए अब जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस कौन, देश की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी वर्सेस कौन। और बिना दूल्हे की बारात होती नहीं है, चेहरा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है समस्त विपक्ष को, संयुक्त विपक्ष को, प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। तो जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि भारत मुक्त कांग्रेस बनाना है, और अब धीरे धीरे कांग्रेस दोबारा कमबैक करने जा रही है, देखिए उन्होंने क्या कहा था वो देश की जनता के सामने है, कांग्रेस क्या कर रही है ये देश की जनता के सामने है। मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है, उन्हें शिकस्त देनी है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, वो है प्रियंका गांधी का चेहरा। सर? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा असर हुआ था कर्नाटक को, क्योंकि आने वाले चुनाव पर भी पत्थर पड़ेगा कुछ? देखिए राहुल गांधी जी एक तपस्वी की भूमिका में हैं, उनके विषय में मुझे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।